थाने में केवल आपकी शिकायतें दर्ज नहीं होती हैं, पुलिस वाले केवल आपके घर पे छापेमारी या आपकी सुरक्षा ही नहीं करते हैं, बल्कि वो आपके बारात में सराती भी बन जाते हैं। दरअसल कैमूर से यह वीडियो आया है और पूरा परिसर है महिला थाने का। सभी पुलिसकर्मी खुश हैं, मंगल गीत बज रहे हैं, महिलाएं गीत गा रही हैं, लड़का और लड़की की यहाँ शादी हो रही है। एक साल से जो प्यार चल रहा था, प्रेम प्रसंग, वो साकार हुआ थाने में। अमूमन थाने में लोग शिकायत लेकर पहुँचते हैं कि लड़का लड़की भाग गए। मामला पुलिस में पहुँचता है तो कई तरह की बातें होती है, लेकिन ये पुलिस वाले दो प्रेमी की शादी दो परिवार की रजामंदी से करा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए, और फिर जो पुलिस वाले इस बारात में सराती बने हैं, जो दुल्हा दुल्हन की स्वागत कर रहे हैं, उनका बयान सुनिए। थाने में तमाम हिंदू रीति रिवाज से अब जो शादी विवाह है वो संपन्न हो रहा है। जयमाला के लिए स्टेज भी बना हुआ बजाबते, और वो भी थाना परिसर का वो मंदिर जो इस शादी का गवाह बना है। एक साल से तो अभी कहाँ शादी आप लोग कर रहे हैं? मंदिर में। कौन जगह? महादेव का मंदिर है। हाँ, तो ये जगह कौन है? महिला थाना है। महिला थाना। तो कैसे यहाँ पहुँचे आप? पहुँचे हम लोग आए, दोनों लोग गाड़ियाँ राजी नहीं थे इसका मतलब? हमारा गार्जियन राजी था। हाँ, उधर से भी हो गए सब, मतलब पहले नहीं थे ना? ये महिला थाना है। कहाँ है? अभी महिला थाना बोल दो। महिला थाना क्या करना है? शादी। किसका शादी हो रहा है? शुभम बेटा। मतलब दोनों से प्रेम चल रहा था जी। लड़की कहाँ की है? भाभुआ थाने पास। क्या यहाँ? यहाँ पर आए हुए लड़की को अब शादी कर रहे हैं, और क्या, और कोई बात नहीं है। आप लोग शादी से खुश हैं? हाँ हाँ, खुश। तो महिला थाना में शादी करने का क्या उद्देश्य है? जैसा कि लड़का लड़की को दोनों अपना अपना प्रेम विचार कर देते, इसीलिए ऐसे बोली कि हमको यहीं पर खुशी है, तो हम इसी खुशी से कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, लड़का लड़की आया लॉकडाउन के कारण, वो बोले हम लोग को शादी करना है यहाँ, इसी में वो लोग आ करके यहाँ महिला थाना परिषद में शादी, दोनों को माता पिता और वो दोनों को सब कोई आ गया, पूरे परिवार महिला थाना में शादी होने लगा जी। दोनों राजा मंदिर से शादी? जी जी, मंदिर से। कहाँ कहाँ के लड़का लड़की रहने वाले हैं? लड़का है बेतरी का, लड़का लड़की है यही भभुआ एकता चौक की।